दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप फ्लिपकार्ट पे लेटर इनेबल करना चाहते हो और वो इनेबल नहीं हो रहा है, कुछ इरर आ रहा है आपके सामने, जो आप जैसे आप फ्लिपकार्ट पे लेटर पर क्लिक कर रहे हो तो आपके सामने ये कुछ वेटिंग करके यहाँ प्लीज वेट लिख के आ रहा है और ये ऑप्शन आ जा रहा है नॉट एलिजिबल फॉर फ्लिपकार्ट पे लेटर। तो ये जो इरर है वो कैसे सही होगा आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं और इससे आपको यहाँ पर फ्लिपकार्ट जो पे लेटर है वो नहीं मिलने वाला है। देखिए यहाँ पर दो रीज़न होता है, ठीक है, जो टू सिंपल रीज़न है कि जो फ्लिपकार्ट पे लेटर का जो ऑप्शन वो आपको नहीं मिल रहा है। फर्स्ट ये है कि अगर आपने बिल्कुल नया अकाउंट अभी फ्लिपकार्ट का बनाया हुआ रेडी किया हुआ है और अभी तक आपने इस अकाउंट से एक भी ऑर्डर नहीं किया तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ऑर्डर करना है, करीब 2-3 ऑर्डर आप कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको जो सिविल स्कोर है वो यहाँ थोड़ा बेटर हो जाता है कि जो आपने मतलब ऑर्डर बराबर कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर मिल जाएगा। और ऑर्डर करते टाइम आपको ये याद रखना है कि आप जो पेमेंट है वो आपको बैंक से यानी कि अकाउंट से पेमेंट करना या फिर UPI से कर दीजिएगा, यानी कि फोन पे गूगल पे जो भी आप यूज करते हो ना UPI पेमेंट एप्लीकेशन उससे यहाँ पे आप पेमेंट कर देना, ठीक है। अब ये काम आप लोगों ने कर लिया, ऑर्डर कर दिया और यहाँ पे जो ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। अब गाइस अब आपको फ्लिपकार्ट को बताना होगा कि हमें जो है वो यहाँ फ्लिपकार्ट पे लेटर चाहिए और हमारे पास ये चीज़ है। यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ फ्लिपकार्ट पे लेटर अगर आपको मिल जाता है तो यहाँ पे आप काफ़ी अच्छा यहाँ पे कुछ भी बाय कर सकते हो बिल्कुल ईजिली। अगर आपके पास पैसा नहीं है उस टाइम तब भी आप बाद में पैसा उसको फ्लिपकार्ट को पे कर दोगे। तो आपको ऊपर हेल्प सेंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके सामने इंटरफेस आता है, 24/7 कस्टमर सपोर्ट मिल जाता है आपको इस फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन का। अब यहाँ पे लिखा है व्हाट इशू आर यू फेसिंग, क्या आपने क्या मतलब इशू आपके साथ फेस हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा आई वांट टू मैनेज माय ऑर्डर, आई वांट टू हेल्प विद रिटर्न्स एंड रिफंड, सब यहाँ पे देखो यहाँ पे ढेर सारा मतलब इशू लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको इशू अपना जो कि यहाँ पे सेंड करना होगा। नीचे एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है इमोजी वाला, इसी पे आपको टैप करना है। यहाँ पे फ्लिपकार्ट सपोर्ट की तरफ से ये आपको मैसेज आ जाएगा। अब यहाँ पे माय ऑर्डर, माय अकाउंट, रिटर्न पेमेंट, प्रोडक्ट क्वेश्चन, सम टाइम इल्स और पेमेंट का ऑप्शन भी दिया हुआ है, ठीक। तो OTP है, बाकी पे लेटर का ऑप्शन आ जाएगा जैसे आप पेमेंट का सेंड करते हो फ्लिपकार्ट पे लेटर का। फ्लिपकार्ट पे लेटर लिखा आपने लिखा है सूर, व्हाट योर क्वेश्चन अबाउट फ्लिपकार्ट पे लेटर, हाउ डज इट वर्क, इट इज़ द सेम एज ए लोन, KYC मिनिमम, आई डू मेक पेमेंट, आई कैन यूज यूटी, आई हैव अनदर क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको जो कि सबसे फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है कि क्यों नहीं ये वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे लिख के आ गया विद फ्लिपकार्ट पे लेटर यू कैन शॉप एनी नंबर ऑफ टाइम थ्रू अ मंथ विदाउट पेइंग ऑन द टाइम परचेस एंड पे द टोटल अमाउंट वंस ऑफ द 5th ऑफ द सबसिक्वेंट मंथ, यू आल्सो द ऑप्शन टू अवेलेबल EMI, दिस पेमेंट मोड इज करंटली अवेलेबल फॉर सेलेक्ट प्रोडक्ट ऑन फ्लिपकार्ट, मिंत्रा एंड शॉपसी। तो गाइस यहाँ पे बोल रहा है कि आप पहले प्रोडक्ट को जो बाय कीजिए, ठीक है, मतलब मंथली आप बाय करते रहिए, आपको जो EMI का जो अवेलेबल मतलब जो ये EMI वाला ऑप्शन है वो जल्द ही आपको आपके फ्लिपकार्ट पे लेटर पे ऑप्शन जो है वो अवेलेबल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है एनीथिंग इल्स आई कैन हेल्प आंसर फॉर यू, तो आपको लिखना है नो आई एम नॉट डन, ठीक है, जैसे आप लिखो तो यहाँ पे गुड बाय फॉर नाउ लिख के आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे इन्होंने ये बोला है, ये चीज़ आपको देखने के लिए मिल रहा है कि जो आप जैसे ही आप फ्लिपकार्ट से शॉप यानी कि बाई करते हो सब सामान जो कि यहाँ पर ख़रीदते हो तो धीरे धीरे आप जैसे ही आप मंथली कुछ ना कुछ खरीदोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको फ्लिपकार्ट की तरफ से यहाँ पे मिल जाएगा जो आपको मतलब ये है मतलब फ्लिपकार्ट लेटर। और फिलहाल यहाँ पे आप देखो कि जो मतलब अवेलेबल नहीं है प्रोडक्ट के लिए फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और शॉपसी जैसे 3 एप्लीकेशन पर अभी तक फ्लिपकार्ट लेटर अवेलेबल नहीं है। तो जैसे आप बाई करते हो तो यहाँ पर ऑटोमेटिक मिल जाएगा, आप यहाँ से लिख पूछ सकते हो इनसे। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।